गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जवानी जाने मन सैफ अली खान की, एंड इट्स अ न्यू एक्ट्रेस हु इज गोइंग टू प्ले हिज डॉटर्स रोल। तो देख के मैं रिव्यू देता हूँ। दोस्तों अभी मूवी देख के आ रहा हूँ मैं, जवानी जाने मन, सैफ अली खान और जो एक नई एक्ट्रेस है उनकी बच्ची का जो रोल किया हुआ है, उनकी बेटी है, बच्ची नहीं है, इट्स अराउंड 21 ईयर्स ओल्ड ट्रांस डॉटर इन दिस मूवी। एंड मुझे तो ये मूवी एक कॉकटेल के स्टाइल में लगा, बिकॉज ही इज़ एक्टिंग द सेम वे एज ही वॉज एक्टिंग इन द मूवी कॉकटेल। तो एक्टिंग में मुझे इतना खास ज़्यादा कुछ लगा नहीं। तानाजी में जो उसके एक्टिंग का जो एफर्ट है उसका 10% भी उसने यहाँ डाला नहीं अपने सैफ अली खान ने। लेकिन इंटरवल तक इट्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ मूवी। एक यूके में होने वाली एक रियल एस्टेट ब्रोकर है अपने सैफ अली खान, और दिस डॉटर शी पॉप्स इन टू हिज लाइफ। दे डू डी एन ए टेस्ट एंड दे कम टू नो दैट शी इज हिज डॉटर। लेकिन इसमें अलाया जो शी इज डूइंग हर डिब्यूट, शी हैज़ डन अ गुड जॉब, शी इज़ क्यूट, आई एम श्योर शी विल गेट वेरी गुड प्रोजेक्ट्स इन द फ्यूचर, क्योंकि बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। डॉटर का रोल है तो इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, बट शी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। उनके अलावा तबू जी हैं इसमें, द सेक्रेट गेम्स 2 एंड सेक्रेट गेम्स 1 में जो एक्ट्रेस है कुबरा सेठ, शी इज़ ऑल्सो प्लेड अ गुड रोल इन दिस। ओवरऑल द मूवी में क्लाइमैक्स है, दैट वॉज गुड। इस मूवी में स्पेशल मैसेज तो इतना है नहीं, लेकिन एक बात मुझे यह पता चला कि बैचलर लाइफ जो जीते हैं, कि बोलते हैं यार मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे बिंदास जीना है, उन लोग को कभी ना कभी तो एक लाइफ पार्टनर, नहीं तो कोई सहारा देने वाला कोई रहना ही चाहिए। उसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया अपने चंकी पांडे को, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ सैफ अली खान। वेन दे आर पार्टिंग एंड एवरीथिंग ही इज़ बीन शोन इन द मूवी, लेकिन उनको एक लकवा हो जाता है, ही मेट्स विद एन एक्सीडेंट। तो जैसे हॉस्पिटल में जाता है, देन सैफ अली खान रियलाइज दैट यार बैचलर लाइफ विल नॉट वर्क आउट। तो देन ही गोज़ बैक टू हिज डॉटर एंड द होल मूवी गोज़ लाइक दैट। लेकिन स्टोरी लाइन इतना खास नहीं है, बट स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से लिखा है, यू वोंट फील बोर्ड। डायलॉग्स हो, द डायरेक्टर नितिन कक्कर हैज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब, डायरेक्शन का बहुत अच्छा था। बस स्टोरी लाइन थोड़ा और तगड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे पहले तो जैसे इंटरवल तक मैंने पहले बोला कि कॉकटेल को जैसे मैं देख रहा हूँ, कॉकटेल को सेम लेंथ में इसको लिया गया है, कॉकटेल का एक सेम स्टाइल है इसमें। तो अभी मेरे हिसाब से इट्स एन एवरेज मूवी। तो कॉमेडी भी इतना ज़्यादा खास कॉमेडी नहीं है, नॉर्मल कॉमेडीज़ हैं। और म्यूज़िक पुराने 2-3 सॉन्ग्स हैं, उसको थोड़ा और बीट सब डाला गया है। इट्स एन एवरेज मूवी एंड इट्स अ वन टाइम वॉच मूवी। तो मैं इसको 3 रेट करता हूँ आउट ऑफ 5। तो देखिए, इट्स एज आई टोल्ड, इट्स अ वन टाइम मूवी, तो आपका पैसा तो वसूल हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर मोर रिव्यूज़ इन द फ्यूचर। थैंक यू।